हेलो दोस्तों, मेरे अपने विचारों में आपका स्वागत है। मैं लता शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, थोड़ी जीव लड़ाई गई है, कोई बात नहीं है, ये जीवन है, ये जीव है, ये तो चलती रहती है। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी ड्रेसिंग का और अपने टीवी स्टैंड का मेकओवर करके दिखाऊंगी। दोस्तों, मेरी थोड़ी गंदी हो गई है और थोड़ा उनमें मतलब निशान वगैरह पड़ गए हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए तो इसलिए गंदी थोड़ी सी हो गई है। तो दोस्तों, मैं उसका मेकओवर करके दिखाऊंगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों, इस तरीके से मेरी कितनी गंदी ये हो रही है, इनको मैं चेंज कर रही हूँ। देखो दोस्तों, कितना बदलाव, आप देखना, मैंने अपने घर का लुक ही बदल दिया, फर्नीचर ही बदल दिया मैंने, अपने अपने हाथों से सब कुछ किया है। अपने हाथों की बात अलग ही होती है। देखो कितना गंदा हो रहा है, ये देखो किस तरीके से गंदा हो रहा है। अब देखो, मैंने दोस्तों इधर किया है थोड़ा सा, दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको किया है। देखो कितना साफ हो गया, देखो देखो कितना साफ हो गया इस तरीके से। देखो दोस्तों, कितना साफ है, मैंने अपने घर का फर्नीचर ही बदल दिया पूरा। बहुत गंदा हो रहा था दोस्तों, मेरा मन था कि मैं कहीं बाहर से किसी को बुला के पॉलिश कराऊं, लेकिन इस समय बहुत भीड़ थी, कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही करूं इनको, तो मैंने खुद ही शुरू कर दिया। और देखो कितना अच्छा, देखो इसको देखो और इसको देखो दोस्तों, देखो दोस्तों इसको देखो, इसको देखो, ये कितना गंदा है, ये कितना साफ हो गया है, इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये कितना गंदा है, ये कितना साफ हो गया है। अब इतना अच्छा लग रहा है, मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप भी करो, जब टाइम मिले तब ऐसी चीजों को करते रहो अपने घर में, तो पैसा भी बचता है और अपना मन भी खुश होता है। अपनी तरीका से करते हैं ना, अपने हिसाब से। अभी मैं इस पर भी करेंगे दोस्तों, इस पर दूसरा कलर करूँ, ये वाला कलर करूँ इस पर, ये मैंने पूरा लुक ही बदल दिया। ये ड्रेसिंग को भी डेकोरेटर बिल्कुल क्लीन कर दिया, ये भी ऐसी गंदी हो रही थी। देखो दोस्तों, मैंने किस तरीके से किया इसको, देखो ये ड्रेसिंग है मेरी, इधर टीवी आ रही है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, इधर देखो, ये देखो दोस्तों कितना अच्छा आया है। ये देखो दोस्तों, मैंने अपनी ड्रेसिंग का ही लुक बदल दिया है। ये देखो, ये देखो, अभी तो गीला है, ये देखो ये गीला हो रहा है, अभी तो ये मैं बाहर खींच रखा है इसलिए ये गीला है, ये मैंने खुद करी दोस्तों। देखो इस तरीके से ब्लैक, येलो, व्हाइट, और मेरा मन करेगा तो मैं ब्लैक को भी बदल दूंगी या येलो को बदल दूंगी, मेरी इच्छा है। देखो दोस्तों किस तरीके से किया है मैंने इस ड्रेसिंग को, इस तरीके से किया है मैंने ड्रेसिंग को, कितना अच्छा आया है। देखो दोस्तों, मैंने इस तरीके से अपनी ड्रेसिंग को भी बदल दिया है, इसी तरीके से मैं अपनी टीवी स्टैंड को भी बदल रही हूँ। मैंने कभी किया नहीं है दोस्तों, पर अब नए नए शौक लगे हैं तो मैं नए नए काम अब करना सीख रही हूं। कितना क्लीन हो गया, बिल्कुल वाइट हो गया, इतना गंदा क्या था। ये मैंने कलर लिया है, मेरे ट्रैक्टर के लिए कलर आया था दोस्तों, ऊपर का ट्रैक्टर के लिए लेबर लगी हो, उसी से कटोरी में लेके आई हूं मैं। ये क्रीम कलर है दोस्तों, सब वगैरह हो जाएगा इसको, मैं बाद में और कतार पिन के तेल से लेके साफ कर दूंगी, सबको क्लीन हो जाएगा तब आपको बताऊंगी दोस्तों, पूरा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा तब बताऊंगा। दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी शायद कैमरा, इतनी गंदी लग रही थी, इतनी गंदी लग रही थी, क्योंकि इसको कई साल हो गए। मैं इस मकान में आई थी तभी ली थी, मुझे कम से कम हो गए इस मकान में
6-7 साल हो गए मैं इस बकन आई थी, तभी मैंने ये ली थी। तो तब से मतलब कपड़े से पोंछ देती, हर साल सफाई कर देती इसकी, लेकिन वो चीज नहीं आती है। इसका कलर बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल येलो हो गया था व्हाइट से। अब इसी को देख के मेरा इतना मन खुश हो रहा है, मैं देख देख के खुश हो रही हूँ, मेरा नया फर्नीचर आ गया ऐसा लग रहा है मुझे, इतनी खुश हो रही हूँ मैं देख देख के, लग रहा है नया फर्नीचर आ गया दोस्तों। और मुझे वैसे भी डेकोरेट करने का, साफ सफाई करने का, मुझे घर में गंदगी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे गंदे लोग और गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। गंदगी से तो मुझे इतनी नफरत है, मेरी किसी से पटती नहीं है, किसी से नहीं बनती मेरी। मेरे रिश्तेदार भी आते हैं ना, मेरे कोई आते हैं मतलब परिवार के लोग, वो भी ये कह जाते हैं भैया सफाई के बारे में इनके बराबर कोई नहीं कर सकता, और उनको भी मेरी इतनी साफ सफाई वगैरह कम पसंद आती है। सब कहते हैं इनके बराबर सफाई नहीं कोई कर सकता। मेरे यहाँ कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलेगी। मैं बेडों को, सोफाओं को, हर चीज को, हर कॉर्नर को सजाती हूँ, हर कॉर्नर को संभालती हूँ, हर कॉर्नर को साफ सुथरा रखती हूँ। एक भी मेरे घर में एक मुट्ठी आप मिट्टी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे झाड़ू वाड़ू लाते, बहुत से लोगों के घर में एक एक साल बाद सफाई करते हैं तो ढेरों मिट्टी निकलती है, ढेरों गंदगी निकलती है। मेरे यहाँ नहीं निकाल सकते इस तरीके से। हर महीने तो मैं बेडों को सरकाती हूँ, इसी वजह से मैं खुद बीमार होने लग गई। ताकत लगानी पड़ती है सामान सरकाने में, वो तो मेरे नहीं करते हो तो गुस्सा आती है उन्हें तो, लेकिन मैं खुद करती हूँ अपने हाथों से। कभी बच्चों की हेल्प लेती हूँ, कभी खुद ही करती हूँ। बच्चे भी स्कूल वगैरह चले जाते थे तो वो उनकी भी नहीं हेल्प मिलती मुझे, तो मैं खुद ही करती थी। तो उसमें ताकत लगती है, ताकत लगती है तो तबीयत खराब होती है फिर मेरी। देखो दोस्तों इस जगह पे ये वाला कलर है मेरा, लेकिन मैं इस पे भी अब यही वाला कलर कर रही हूँ। ये बीच में रह जाएगी, इस पे मैं डालूंगी ये वाला कलर ब्राउन, इस पे डालूंगी ये वाला। तो मैं केवल ये पट्टी सी रहने दूंगी, बाकी मैं सब ये व्हाइट ही क्रीम कलर कर दूंगी इस पर, तो थोड़ी और ज्यादा सुंदर हो जाएगी। मुझे कम ब्लैक ब्लैक का चीज कम पसंद है मुझे, ब्लैक साड़ियां, ब्लैक हर चीज कम पसंद है। शनिदेव की, शनिदेव के होते हैं ब्लैक कलर, मुझे कम पसंद है और मुझे पे अच्छे लगते हैं। मैं साड़ी वगैरह मेरे पे सब जाती हूँ तो भाई ब्लैक ही दिखाते हैं वो दुकानदार मुझे, लेकिन मुझे कम पसंद है, मेरे पे जमती है, मैं लेती नहीं, मुझे ब्लैक चीज कम पसंद है। ये तो हमारे पति देव ले आए थे, अच्छी भी लग रही थी, क्या रोड की गलती नहीं होती। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया, ये व्हाइट बहुत गंदा हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था, ये भी चेंज कर दिया मैंने, ये भी चेंज कर दिया। यहाँ पे भी मेरा वॉल पेपर लगा हुआ था, शायद आपने पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, ये भी मैंने देखो पूरा कलर चेंज कर दिया है। ये बहुत गंदा हो रहा था, मैंने इस पर किया कलर। कुछ इस तरीके से दिख रही है मेरी दोस्तों। मैंने ड्रेसिंग को भी चेंज कर दिया, देखो ड्रेसिंग भी है मेरी, मैं आपको बता रही थी कि ड्रेसिंग कर रही है मैंने, ये देखो ड्रेसिंग इस तरीके से देखा है। ड्रेसिंग को चेंज कर दिया, देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो दोस्तों मैंने इसमें तीन कलर कर दिए, व्हाइट, ब्लैक और येलो। मेरे रूम की थीम ऐसी है तो मेरी चल रही है, आपकी जैसी हो वैसी करना। देखो दोस्तों इसमें वॉल पेपर लगाया हुआ था मैंने पहले, तो वॉल पेपर उखाड़ा था, थोड़ा इसमें डैमेज हो गया, ये थोड़ी इसमें गड्ढे से हो गए थे। अब मैंने इसमें वॉल पुट्टी लेके पुट्टी लगा दी है धीरे धीरे और घिसाई कर दी है। तो इस तरीके से मैंने इसकी मरम्मत करके अब मैं कर रही हूँ इस पर कलर, और आधा सा मेरा हो चुका है और रह गया है वो मैं कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो शेयर आप भी देखना, बनाना, करना, सीखना। मैं भी पहले नहीं जानती थी दोस्तों, मेरे ऐसे नहीं है कि मेरे काम नहीं कर रहे हो लोग, देखो सामने वहां देखो लोग भी मेरे लगे हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। ये तो देखो दोस्तों मेरे पेंटर भी लगे हुए हैं, वो भी बेचारे साफ सफाई कर रहे हैं सब, क्योंकि काम त्योहार पे बहुत होता है, पर मुझे ये खुद ही करना था इसलिए मैंने खुद किया है। ये पेंटर भी कर देते
पर मैंने उनको नहीं दिया, मुझे खुद शौक था तो मैं खुद कर रही हूँ इसको। वैसे मेरे इस पे पॉलिश हो रही थी पहले, लेकिन अब अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बना देती हूँ, जब मेरा मन करेगा तो मैं पॉलिश पे करवा दूंगी इस पे। अभी मुझे ऐसी अच्छी लग रही है, मैं ऐसी तरह कर रही हूँ। ये थोड़ी गंदी हो गई थी इसलिए मैं फिर चेंज करा दूंगी इसको। बन जाएगी तब दिखाती हूँ दोस्तों, पूरी हो जाएगी तब बताती हूँ। देखो दोस्तों इस तरीके से मैं खुद कर रही हूँ। अब दोस्तों देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ, हो जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई है, क्यों मैं कोई पेंटर तो हूं नहीं, पहली बार कर रही हूँ, मेरा मन किया तो इसलिए तो कम फिनिशिंग ज्यादा अच्छी इस चीज की नहीं आई है। वैसे तो सबकी तो अच्छी आई है, इसकी कम आई है मेरे पे, क्योंकि मैंने इस पे मरम्मत करी ना तो वो सही नहीं बैठी है, तो इसकी नहीं आई है। तो कोई बात नहीं है, मैं इस पे वॉल पेपर लगा दूंगी इसको करने के बाद, सूखने के बाद जब मेरा मन करेगा, या जब तक मैं इसको चलाऊंगी इसी तरीके से चलाऊंगी, फिर मेरा मन करेगा, मेरे पास वॉल पेपर है, मैंने अमेज़न से लिया है, तो मैं उसको लगा दूंगी। देखो दोस्तों इस तरीके से मेरी ड्रेसिंग पूरी हो चुकी है, आपको दिखाई दे रही होगी शायद। देखो इस तरीके से मैंने व्हाइट, येलो और ब्लैक मिला के इसको तैयार कर दिया। देखो दोस्तों इस तरीके से मैंने कलर किया है इसमें, देखो ये हो गई मेरी ड्रेसिंग तैयार। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर चाहें तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पहले मुझे शौक नहीं था, पहले मेरे ये लोग ही करते थे, आते थे। तो देखो दोस्तों इस तरीके से मैंने किया इसको वाइट ब्लैक, ये वाइट ही ब्लैक थी पर गंदी हो गई थी इसलिए मैंने अब इसको फिर से कर दिया। देखो दोस्तों कितने अच्छे से हो गई, देखो। अब मैं कुर्सियां दिखाती हूँ, मैंने कुर्सियों पे भी किया है, ये देखो मैंने कुर्सियों को भी अच्छे से कर दिया, कहीं कहीं रह गई है जरा जरा सी, क्योंकि मुझे मैं प्रॉपर तो हूँ नहीं पेंटर, तो मैं कर पाऊँ। मैं कुर्सियों का भी इन पे कलर चला गया था ब्लैक वाला, येलो तो वही है ब्लैक वाला चला गया, तो मैं ब्लैक वाला सारी कुर्सियों पे कर दिया है। ये डाइनिंग टेबल की कुर्सी है मेरी, वो तो मना भी कर रहे थे क्यों खराब कर रही हो, मैंने डाइनिंग टेबल के ये पाए थे इनको भी कर दिया। ये देखो दोस्तों ये डाइनिंग टेबल है मेरी, इसकी पैर भी कर दिए चारों तरफ से, जो टूटी फूटी थोड़ी गंदी थी वो सही हो गई। इसी तरीके से आप भी करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।